अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुसव्वमा। मुसव्वमा जो है वह एक सेल्स ट्रांजैक्शन होती है। मुसव्वमा इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच बायर डज नॉट नो द प्राइस पेड बाय सेलर टू ऑब्टेन गुड और सर्विसेज बीन ऑफर। मुसव्वमा एक ट्रांजैक्शन होती है बायर और सेलर के दरमियान, ख़रीदने वाले के दरमियान और बेचने वाले के दरमियान, जिसमें बायर को नहीं पता होता कि जो जो शख्स उसे कोई चीज़ बेच रहा है ना, उसने पहले ये चीज़ जो है वो कितने पैसों में ख़रीदी थी और वो कितना प्रॉफिट लगा के जो है वो उसे अब वो चीज़ बेच रहा है। एंड बोथ आर फ्री टू बार्गेन ओवर द प्राइस अनटिल दे रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस। और वो दोनों मिलके बायर और सेलर जो है इस प्राइस पे बार्गेन करते रहेंगे जब तक वो ऐसी प्राइस पे ना पहुंच जाए जो जिस प्राइस को दोनों जो है बायर और सेलर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक मुसव्वमा को जो है वो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बायर है और एक सेलर है। अब जो सेलर जो है वो किताबें बेचता है, ठीक है, बायर को जो है वो इससे बुक चाहिए। लेकिन अब जो सेलर है उसने सप्लायर से जो वो बुक ख़रीदी थी ना, वो 100 रुपये में ख़रीदी थी। लेकिन वही सेलर जो बायर को बुक बेच रहा है 150 रुपीज़ में बेच रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लगा के बेच रहा है। सो अब जो सेलर है वो बायर को नहीं बताएगा कि उसने जो है वो 100 रुपये में बुक खरीद के उसको 150 रुपये में बेची है। सो प्रॉफिट के बारे में और सेल के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। डज नॉट डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस टू बायर। सेलर नहीं बताएगा प्रॉफिट या सेल्स प्राइस बायर को। बोथ सेलर एंड बायर बार्गेन अनटिल दे रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस। अब इस प्राइस पे दोनों बार्गेन करेंगे कि कितनी प्राइस होगी या कितनी प्राइस नहीं होगी, और जब तक ये बार्गेन करते रहेंगे जब तक कि ऐसी प्राइस पे ना पहुंच जाए जिसको ये दोनों सेलर और बायर एक्सेप्ट करते हों। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मुसव्वमा। मुसव्वमा पे कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि अगर वो ना हो तो फिर मुसव्वमा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहली है एसेट्स मस्ट हैव वैल्यू एंड यूजेबल। एसेट जो है, जो भी एसेट जो है वो सेलर बायर को बेच रहा है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए और वो यूजेबल होना चाहिए, मतलब बायर जो है वो उसको यूज़ कर सके। सेकेंड है एक्सचेंज टेक प्लेस इमीडिएटली एट द स्पॉट, नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी सेलर बायर को चीज़ बेच रहा होगा ना, वो ऑन द स्पॉट उसको वो चीज़ देगा। ये नहीं कहेगा कि फ्यूचर में जो है वो सेलर बायर को जो है वो चीज़ दे देगा, इस तरह का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता मुसव्वमा में। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है द प्रोडक्ट इंटायरली ओन्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल। जब भी सेलर कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा मुसव्वमा के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो प्रोडक्ट जो है वो सेलर के पास जो है वो पूरी तरह से होना चाहिए, मतलब वो पूरा उसका ओनर हो। ये नहीं कि उसने जो है वो उसके पैसे किसी को देने हैं। सो सेलर जो है वो इंटायरली ओन करना चाहिए उस प्रोडक्ट को, और फिर जो है वो आगे वो बायर को प्रोडक्ट जो है वो बेचेगा।